पति ने ये कहा कि उन्होंने कई बार उस पुरुष के साथ देखा है जिसका भी नाम लिया गया है, तो यहाँ पर कोई एडल्ट्री साबित नहीं होती, इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी जब भी आप लोग कोर्ट में पति और पत्नी केसेस किया करते हो, आपके केसेस फैमिली कोर्ट में लंबित हुआ करते हैं, तो उस समय पर जो सबसे आसान लांछन एक दूसरे पर लगाने के लिए पति या पत्नी को मिलता है वो होता है किसी पर पुरुष या किसी पर स्त्री के साथ आपके साथी का घूमना, यानी एडल्ट्री, व्याभिचार। और इसी बिना पर आप ये सोचते हो कि आपने ये लांछन लगाया नहीं और आप ये केस जीतने वाले हो। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आप सभी के साथ आज मैं इसी तरह के एक ऐसे केस का वर्णन करने वाली हूँ जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर क्रूरता और एडल्ट्री का लांछन लगाते हुए केस लगाया डिवोर्स का, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया और हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात कह दी कि किसी के साथ एक दो बार घूम लेने से एडल्ट्री साबित नहीं हुआ करती। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ये केस जो पति और पत्नी का पहुंचा था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, इस केस का टाइटल है वीरम वर्सेस शैतानबाई। और ये जो केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा था इम्प्यूम्ड जजमेंट डेटेड 14/5/2004 का। आखिरकार ये क्या था इम्प्यूम्ड जजमेंट, क्या था ये केस, पूरा जानते हैं। इस केस को फाइल करने से पहले इस पति और पत्नी की शादी को हुए लगभग 8 साल हो चुके होते हैं और ये एक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इन दोनों ने शादी की थी और इनको एक बेटा पैदा होता है सन 1996 में। कुछ समय के बाद पत्नी 125 सीआरपीसी का केस दायर करती है अपने खुद के लिए खर्चा मांगने के लिए और साथ ही साथ इस बच्चे का खर्चा मांगने के लिए। ये जो एप्लीकेशन इस पत्नी ने स्वयं के लिए और बच्चे के लिए लगाई थी ये डिसमिस कर दी जाती है 27/12/2002 को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्नी का जो मेंटेनेंस का अधिकार था उसको डिसमिस किया जाता है, लेकिन जो बच्चे का मेंटेनेंस था उसको 1500 रुपए महीना बांध दिया जाता है। इसी तरह से जो ये पति हैं, ये सेक्शन 10 का एक केस फाइल करते हैं गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत, जिसमें इस पति को इस बच्चे की कस्टडी प्राप्त हो जाती है। और कुछ समय के बाद ये जो पति हैं, जिनकी कस्टडी में आज बच्चा रह रहा था, वो एक केस फाइल करते हैं तलाक का, डिवोर्स का, और ग्राउंड यहां पर पतिदेव लिया करते हैं क्रुएलिटी का और एडल्ट्री का। यहां पर पति ये कहते हैं कि उनकी पत्नी किसी पर पुरुष के साथ रह रही है और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बहुत सारे पड़ोसियों ने, बहुत सारे लोगों ने उनको उनके साथ देखा है। इसी तरह ये तो हुआ एडल्ट्री का ग्राउंड, इसी तरह से पति महोदय क्रुएलिटी का ग्राउंड भी लिया करते हैं और वो ये कहते हैं कि इनकी पत्नी ने इनकी माताजी के साथ बहुत मारपीट की थी और एक एफआईआर भी इनके बीच में दाखिल हुई थी और यही वजह है कि इनका जो ये तलाक का केस है वो सही केस बनता है और ये दोनों ग्राउंड्स लेते हुए ये कोर्ट में तलाक का केस दायर कर दिया करते हैं। इसका नोटिस इनकी मैडम यानी कि इनकी वाइफ को पहुंचता है, इनकी वाइफ पहुंचती हैं और जो जवाब देती हैं लिखित जवाब, उसमें वो हर एक लांछन को मना कर देती हैं, जो भी दोषारोपण पतिदेव ने इनके ऊपर किए थे उन सब चीजों के लिए वो मना कर देते हैं। और यहाँ पर वो एक बात और कहती हैं कि क्योंकि इनके पति को दूसरी शादी करनी थी और इसी वजह से उन्होंने इसको जानबूझ करके छोड़ दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो आज भी ये इंटेंशन रखती हैं, ये इच्छा रखती हैं कि वो अपने पति के साथ
रहे। इन सभी चीजों को देखते हुए कोर्ट के द्वारा कुछ मुद्दे बनाए गए और उस मुद्दे में दोनों ही मुद्दों को मेन मुद्दे बनाया गया कि क्या वाकई में क्रुएलिटी की है इस पत्नी ने पति और उसके परिवार के लोगों के साथ, इनकी माताजी के साथ, और क्या ये जो पत्नी है रिस्पोंडेंट, ये इस शादी के रहते हुए भी किसी पर पुरुष के साथ अनैतिक संबंधों में थी। अपने अपने कथनों की सत्यता को बताने के लिए इन दोनों ने 8 विटनेसेस अपीयर कराए। पति ने अपने 5 विटनेसेस को विटनेस बॉक्स में बुलाया और पत्नी ने अपने 3 विटनेसेस को विटनेस बॉक्स में बुलाया। जज साहब ने सारी सारी चीजें देखी, समझी, परखी और आखिरकार जज साहब ने ये कहते हुए कि ये जो पति है ये अपनी एलिगेशंस को प्रूव नहीं कर पाया, ना तो ये एडल्ट्री को साबित कर पाया और ना ही ये क्रुएलिटी को साबित कर पाया, और क्योंकि ये दोनों ही दोनों ग्राउंड साबित नहीं हो पाए हैं तो ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है इसके लिए एंटाइटल नहीं होते हैं और यहां से ये केस हो जाता है डिसमिस इनका और ये जो प्रेजेंट अपील अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने आ जाती है। यहां हाईकोर्ट के सामने भी ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड भी आता है और इसके अलावा ये पति पत्नी के सारे वर्जन भी इनके सामने आते हैं और यहाँ हाईकोर्ट सारे रिकॉर्ड देखने के बाद बहुत क्लियरली कह देते हैं कि एविडेंस में उनको ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया है रिकॉर्ड पर जिससे कि ये कहा जाए कि इनके साथ क्रुएलिटी या एडल्ट्री हुई है, और ये कहते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी पति की अपील को डिसमिस कर देती है। यानी कि जो ट्रायल कोर्ट ने डिसमिसल रिकॉर्ड किया था पति के तलाक को, उसको एज इट इज रहने देती है, उसको बदलती नहीं है। यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एडल्ट्री के ग्राउंड को नकारते हुए जो खास बात कही थी वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। यहां पति ने कहा कि उसने करीबन अभी 5 महीने पहले अपनी पत्नी को इस अन्य पुरुष के साथ देखा है, उसके घर में जाते हुए देखा है। इसी के साथ साथ जो विटनेसेस उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किए उन सभी विटनेसेस ने भी ये कहा कि उन्होंने भी अलग अलग मौके पर इनको बार बार इनके साथ जाते हुए देखा है। लेकिन यहां पर कोर्ट ने नकारते हुए इन सभी चीजों को एक बात कही कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये बात बतानी है कि उसका जो साथी है वो किसी एडल्ट्री में रह रहा है तो यहां पर सिर्फ ये कह देने भर से कि वो उसके साथ गया, उसके साथ देखा या 2-4 बार घूमने फिरने से ये बात साबित नहीं हुआ करती कि वो एडल्ट्री में थी। बल्कि अगर आपको एडल्ट्री साबित करनी है तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस या एडल्ट्री इस तरह से देना पड़ेगा कि वो किसी ऐसे घनिष्ठ संबंधों में बहुत नजदीकी उनके रिलेशंस को दिखाते हुए कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, तब जाकर के एडल्ट्री साबित हुआ करती है। और क्योंकि ये साबित यहां पर नहीं हो पाई है, सिर्फ पति ने ये कहा कि उन्होंने कई बार उस पुरुष के साथ देखा है जिसका भी नाम लिया गया, और इसी तरह से जितने भी विटनेसेस उन्होंने प्रोड्यूस किए वो सब भी यही कहते रहे कि उन्होंने बहुत बार उसको, उस स्त्री को उस अन्य पुरुष के साथ देखा है। तो यहां पर कोई एडल्ट्री साबित नहीं होती, इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी इस पति की इस अपील को डिसमिस करते हुए ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को एज इट इज मानता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि आप सभी लोग जिनको बहुत आसान लगता है कि अगर आप पति हैं तो पत्नी के लिए कह दें कि इसका अन्य पुरुष के साथ संबंध है, या अगर आप पत्नी हैं तो आप पति के लिए कह दें कि इसका अन्य लड़की के साथ संबंध है और आपको तलाक मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप सभी लोग भी इस सभी बातों को ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ ये कह देने भर से कि उनका पति या पत्नी, जो भी आपका केस है, वो किसी अन्य पुरुष के साथ या अन्य स्त्री के साथ घूमते हुए कई बार देखा गया तो भी एडल्ट्री साबित नहीं होगी, जब तक आप कोर्ट रिकॉर्ड पर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में अपनी पत्नी या पति, जो भी दूसरा आपका साथी है, उसको किसी अन्य के साथ ना लेकर के आए।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।